हेलो फ्रेंड्स, आज अपन ट्रांजिशन कर्वा के और क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे कि पिछले क्लास में हमने ट्रांजिशन कर्वा के बड़े बड़े क्वेश्चन किए थे, जिसमें हम लोग ट्रांजिशन कर्वा का डायग्राम बना रहे थे और उसमें क्वेश्चन में एक गोल्डन चीज लिखा हुआ था जो हमको निकालना था, ऑफसेट निकालना था। क्या निकाला था हम लोग को? ऑफसेट एट एवरी 30 मीटर इंटरवल या 15 मीटर इंटरवल या जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा उस ऑफसेट पे हम लोग को क्या निकालना था, वहाँ पे इंटरवल निकालना था जिससे कि हम ट्रांजिशन कर्व बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन जिसमें इंटरवल नहीं दिया गया है, सिर्फ बोला गया है कि ट्रांजिशन कर्व का लेंथ निकालिए, तो वैसे क्वेश्चन अपन कैसे करेंगे? अपन देखते हैं इस चीज़ को। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग पढ़ सकते हैं इस चीज़ को। ब्रॉड गेज कर्व हैज़ बीन प्रोवाइडेड विद सुपर एलिवेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर इफ मैक्सिमम स्पीड ऑन द लाइन इज 80 किलोमीटर पर आवर, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन बोला है यहाँ पे, बस आपको करना क्या है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। और कुछ बोला है कि यहाँ पे कि ऑफसेट निकालो एवरी इंटरवल पे, ये सब यहाँ पे कुछ नहीं बोला गया है ना। तो हमको बस निकालना है ट्रांजिशन कर्व का लेंथ। तो ट्रांजिशन कर्व का लेंथ निकालने के लिए पिछली क्लास मैंने देखा था अपने पास दो अप्रोचेस हैं ट्रांजिशन कर्व का लेंथ निकालने के लिए। कौन कौन सा अप्रोच है? अपन पहला अप्रोच ले सकते हैं, जैसे कि यहां पे आपको दिख रहा होगा ये वाला L इज इक्वल टू 7.20 E, मतलब सुपर एलिवेशन होता है। सेकंड है इसमें L इक्वल टू 0.73 D इंटू वी मैक्स, और थर्ड है 0.073 E इंटू वी मैक्स। ठीक है, ये पहला अप्रोच था। अगर आपके पास क्या क्या होगा, अगर आपके पास सुपर एलिवेशन की वैल्यू रहेगी या वेलोसिटी मैक्सिमम रहेगा या करंट डिफिशियंसी रहेगा, तो आप ये फॉर्मूला को ले सकते हो। ठीक है, इस फॉर्मूला से हम लोग मैक्सिमम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व निकाल सकते हैं। लेकिन अगर इसमें से कोई सी वैल्यू हमारे पास मिसिंग रहती है तो हम लोग इस सेकेंड अप्रोच ले सकते हैं। सेकेंड अप्रोच में क्या है फॉर्मूला हमारे पास, L इक्वल टू 4.4 √R, एंड सेकेंड फॉर्मूला इसका L इक्वल टू 3.28 V³/R है। ठीक है, बुक में गलत दिया हुआ है, वो कि आपका V³/R है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, दो फॉर्मूले के जरिए हम लोग लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व निकाल सकते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में देख रहे होंगे हम लोग को क्या क्या पता है, 4 डिग्री का कर्व पता है। ठीक है, मतलब आप रेडियस भी निकाल सकते हो, और सुपर एलिवेशन दे दिए हैं, और 80 किलोमीटर पर आवर इसका मैक्सिमम स्पीड दे दिया गया है ना। ये देखो मैक्सिमम स्पीड लिखा हुआ है और सुपर एलिवेशन मतलब ई की वैल्यू दे दी गई है। तो हम लोग पहला अप्रोच यहां पे ले सकते हैं। तो पहला अप्रोच से इसको बना के देखते हैं, जैसे कि इसको बना के देखो। ठीक है, ट्राई करते हैं पहले अप्रोच के जरिए, तो क्वेश्चन आंसर करते हैं अपन सीधा। ठीक है, थोड़ा पतला कर लेते हैं। तो E की वैल्यू दी गई थी क्वेश्चन पे, मतलब सुपर एलिवेशन की वैल्यू कितनी दी गई थी अपने को, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर, और सेकंड चीज़ दे दी गई हम लोगों को मैक्सिमम स्पीड। मैक्सिमम क्या दे दिया आपको, स्पीड दे दिया गया है कितना, 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 80 KMPH। ठीक है, मतलब आपको क्या दे दिया गया यहाँ पे, वी मैक्स दे दिया गया है। ठीक है, वी मैक्स दे दिया गया है 80 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग पहला अप्रोच से ले सकते हैं। पहला अप्रोच का फॉर्मूला क्या था, L इज इक्वल टू, पहला अप्रोच अपन निकालेंगे, क्या निकालेंगे फॉर्मूला से, L इज इक्वल टू 7.20 × E, और 7.20 × E की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर है, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, कितना हो जाएगा ये, 7 72 हो जाएगा, है ना, 72 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, 72 ये आ गया, पहला आपकी वैल्यू आ गई 72 सेंटीमीटर। ठीक है, एक मिनट, कुछ गड़बड़ लग रहा है। ठीक है, सब सही है, बस आपको करना क्या है, ये जो फॉर्मूला मैंने डिराइव की हुई है ना, इसमें डेरिवेशन पहले से बता दिया गया है, उसमें ई की वैल्यू आपको सेंटीमीटर में रखनी है, लेकिन जो आंसर आएगा वो यहाँ पे मीटर में आएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू किस में आएगी आपका, मीटर। ठीक है, क्योंकि अपन जब डेरिवेशन करते हैं तो डेरिवेशन करते टाइम ये चीज़ समझ आएगा, लेकिन इसको डेरिवेशन नहीं दिया गया तो अपन करेंगे भी नहीं इस चीज़ को। ठीक है, तो बस ई की वैल्यू क्या करना है आपको, सेंटीमीटर में रखना है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर दिख रहा होगा, देखो L इक्वल टू 7.20 E है, जहाँ पे L की वैल्यू जो रहेगी, E की वैल्यू जो रहेगी, वो सुपर एलिवेशन इन सेंटीमीटर में रहेगा। ठीक है, लेकिन जो वैल्यू आएगा इसका वो कितने में रहेगा आपका, मीटर पे रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ बस इसको ध्यान देने वाली बात है, इसमें उसमें कन्फ्यूज़न होता है लेकिन अब कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है, पहला आ गया आपका 7.2 मीटर, 72 मीटर आ गया। सेकेंड देखते हैं, सेकेंड अप्रोच से, सेकेंड अप्रोच क्या था हमारा, L इक्वल टू 0.073 और आपका डी था और वी मैक्स था। ठीक
ठीक है। डी मतलब क्या था, कांट डिफिशियंसी है, तो मैं आपको कांट डिफिशियंसी क्वेश्चन पे नहीं दिया गया है। क्या दी नहीं दिया गया है, कांट डिफिशियंसी आपके क्वेश्चन पे नहीं दिया गया। कहीं पे दिया है क्या, डी की वैल्यू या सी डी की वैल्यू, कांट डिफिशियंसी नहीं दिया गया है। नहीं दिए हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो मिसिंग है, ठीक है। हमको ये पता है कि आपको ये पता होगा अगर आपने पहले पढ़ा है इस चीज़ को, अगर आपका लेस देन 100 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड है ट्रेन की, तो कांट डिफिशियंसी होगा ब्रॉड गेज के लिए कितना, 7.6 सेंटीमीटर, ठीक है। और वहीं पे अगर ये ग्रेटर देन आपका 100 किलोमीटर पर आवर होता, ठीक है, तो कांट डिफिशियंसी कितना होता है इसके लिए, 10 सेंटीमीटर। ये पहले से एक डाटा आपको पता होना चाहिए, जैसे कि एक टेबल पढ़े थे हम लोग, आपको याद होगा तो, ठीक है। इस टेबल में आपको यही चीज़ बताया गया है, टेबल में ये वाला पार्ट, ठीक है, आपको दिख रहा वाला पार्ट, ठीक है। तो ये लिमिट्स ऑफ कांट डिफिशियंसी है, कांट डिफिशियंसी फॉर स्पीड अप टू 100 किलोमीटर पर आवर। 100 किलोमीटर पर आवर तक अगर आपकी ट्रेन की स्पीड है, तो आप कांट डिफिशियंसी ब्रॉड गेज के लिए 7.6 सेंटीमीटर ले सकते हैं। अगर ग्रेटर देन 100 किलोमीटर पर आवर है, तो आप कांट डिफिशियंसी 10 सेंटीमीटर ले सकते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको ऑटोमेटिक आप ले सकते हैं, क्वेश्चन में नहीं दिया रहता कई बार, तो अपन इस चीज़ को ले लेंगे। तो अभी कितने वैल्यू रहेगा कांट डिफिशियंसी वैल्यू, 7.6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रखेंगे इसकी वैल्यू को, L इज इक्वल टू 0.073 7.6 इंटू वेलोसिटी मैक्सिमम कितना था हमारे पास, 80 किलोमीटर पर आवर था, ठीक है। सेम टू सेम डाटा रख देना है चुपचाप, ठीक है। अब वैल्यू निकाल के देखो, 0.073 इंटू 7.6 इंटू 80, ठीक है, कितना आ गया, 44.384 मीटर, ठीक है। जो भी वैल्यू आएगी वो मीटर में आएगी। तो सेकंड अप्रोच हो गया, सेकंड सेक्शन आ गया हमारा, सेकंड पार्ट। इसके बाद थर्ड पार्ट है, तीसरा फॉर्मूला ट्रांजिशन कर्व का, एल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व का फॉर्मूला क्या है, 0.073 इंटू ई इंटू वी मैक्स, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी ट्राई कर लेते हैं, एल इज इक्वल टू 0.073 और एल की ई की वैल्यू कितनी थी, 10 सेंटीमीटर और इंटू आपका वेलोसिटी मैक्सिमम 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसके बाद इसको कैलकुलेट करके देखो, बस 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आएगा आपका 58.4, ठीक है, कितना आ गया, 58.4 मीटर। तो देखो इन तीनों में से सबसे ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, पहली वैल्यू कितनी आई थी, 72 मीटर आई थी, है ना, एल इक्वल टू 7.20 इंटू 10 की जो 72, सेकेंड वैल्यू आई आपकी 44.384 एंड थर्ड वैल्यू आई आपकी 58.4। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ट्रांजिशन कर्व की आपका 72 मीटर है, तो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व क्या हो जाएगा आपका, एल इज इक्वल टू क्या आंसर लेंगे अपन, आप यहाँ पे लिखोगे ऐसा कि पहला सेक्शन और दूसरा सेक्शन और तीसरा सेक्शन में जो अपन लिए हैं, हम लोग जो यहाँ पे वैल्यू निकाले हैं, उसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है, उसमें से क्या आपकी वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है आपकी, 72 मीटर है, तो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व क्या हो जाएगा आपका, 72 मीटर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो बस यही आपका आंसर है इसमें, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। आपको बस ध्यान देना है क्या कि आपके पास डाटा कौन कौन सी अवेलेबल है, ठीक है। डाटा जैसा आपके पास अवेलेबल रहेगा उस हिसाब से आप यहाँ पे अप्रोच लोगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे सुपर सॉल्यूशन दे दिया गया था और आपको यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड दे दिया था, तो आप पहला अप्रोच ले सकते हैं। कांट डिफिशियंसी आपको पता है किसके लिए, ब्रॉड गेज के लिए, ब्रॉड गेज के लिए कांट डिफिशियंसी कितनी होती है, 7.6 सेंटीमीटर, तो अपन यहाँ से आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये जो 4 डिग्री कर्व दिया है, ये बस यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है कि आप यहाँ चाहे तो पहला जो सेकंड अप्रोच है वो भी ले सकते हैं, 4.4 अंडर रूट आर वाला भी यहाँ पे अप्रोच ले सकते हैं, लेना होगा तो, लेकिन उसको नहीं लेना है, ऊपर वाले में अपना आंसर आ जाएगा सही तरीके से उस फर्स्ट अप्रोच से, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये हो गया, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन करके देखते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में देखो, द परमिसेबल स्पीड ऑन 6 डिग्री ब्रॉड गेज लाइन कर्व इज 70 किलोमीटर पर आवर, द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व पूछा है, ठीक है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व पूछा है। तो इस क्वेश्चन में आपके पास क्या क्या गिवन है, आपके पास डिग्री अवेलेबल है, कितने डिग्री का कर्व है, और आपको पता है कि 70 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड है ट्रेन की, ठीक है। और कुछ दिया गया यहाँ पे,
और कुछ नहीं दिया है, आपके पास सुपर एलिवेशन की वैल्यू नहीं है, तो अपन पहला अप्रोच तो यहाँ पे नहीं ले पाएंगे, ठीक है। और आपको कांट डिफिशेंस पर अपन तो बता सकते हैं, कांट डिफिशेंस कितनी होगी इसकी ब्रॉडगेज के लिए, 7.6 सेंटीमीटर है ना, ब्रॉडगेज के लिए ही रहता है क्योंकि 70 किलोमीटर पर आ रहा है, लेस दैन 100 किलोमीटर पर आ रहा है, तो अपन कितना लेंगे यहाँ पे, 7.6 सेंटीमीटर लेंगे। लेकिन अगर यहीं पर जो स्पीड है 100 किलोमीटर से मोर देन रहती तो हम लोग क्या लेते हैं, आपका कांट डिफिशेंस की वैल्यू 10 सेंटीमीटर लेते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे तो वो पहला अप्रोच अपन ले ही नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पे ई की वैल्यू ही नहीं है, तो इसको अपन कैंसिल करते हैं और अपन देखेंगे सेकंड अप्रोच से, इसको निकाल कर देखते हैं। सेकंड अप्रोच क्या था हमारा, सेकंड अप्रोच इसको बना के देखते हैं पहले, ठीक है। तो क्या क्या गिवन डाटा है अपन पहले देख लेते हैं इसमें कि कौन कौन सा डाटा गिवन है, ठीक है। तो आंसर टू देख रहे हैं, गिवन डाटा कौन कौन सा आपके पास, गिवन डाटा आपके पास डिग्री दे दिया गया है, ठीक है। कितना डिग्री दिया था, 4 डिग्री, 6 डिग्री, ठीक है, 6 डिग्री कर्व है। और आपको स्पीड दे दी है, वो भी मैक्सिमम स्पीड नहीं है, नॉर्मल कर्व इज 70 किलोमीटर पर आवर, नॉर्मल स्पीड दे दिया गया है, वी की वैल्यू 70 km/h, ठीक है, बस यही वैल्यू दिया था। तो यहाँ पे अपन पहला अप्रोच तो यहाँ पे अपन नहीं ले पाएंगे, तो अपन क्या करेंगे, सेकंड अप्रोच से जाएंगे। तो सेकंड अप्रोच में आपका जो पहला फॉर्मूला है L इक्वल टू क्या है, 4.4 √R, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लेकर देखते हैं, L इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 4.4, आपका रूट आर की वैल्यू क्या हो जाती है, आर की वैल्यू होगी 1720/D होता है ना, और डी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 4.4 और 1720/6 डिग्री, ठीक है। तो बस इस वैल्यू को निकालो और देखो कितना आंसर आता है, 4.4 √1720/6 आंसर आएगा, 74.49 मीटर, ठीक है। आप भी निकाल के देखना, अगर मेरा गलत होगा तो आप लोग सही करना, 74.49 मीटर, ठीक है। तो पहला अप्रोच यह आ गया, सेकंड अप्रोच लेते हैं इसी में, क्या था, L इक्वल टू क्या था फॉर्मूला इसका, 3.28 V³/R, ठीक है, यही था 3.28 V³/R, क्लियर है। तो इसके बाद देखते हैं इसमें, तो V जिसमें जो V की वैल्यू थी, ये V जो है यहाँ पे वो किसमें है आपका, मीटर पर सेकंड में, ये किसमें आपका, मीटर पर सेकंड में है, लेकिन जो हमारे पास V की वैल्यू है वो किसमें आपका, किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो इसको चेंज करने के लिए मीटर पर सेकंड में अपन क्या करेंगे, V इज इक्वल टू क्या करेंगे, 0.278 स्मॉल V लेंगे ना, जो यहाँ पे छोटा सा V दिया हुआ है V, ठीक है, इसको ऐसा V ले लेते हैं और इसको भी ऐसा V ले लेते हैं, चलो छोड़ो ब्लैक कलर से बना देता हूँ, ठीक है। तो स्मॉल वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.278 × V, और कैपिटल वी की वैल्यू कितनी है, 0.278, और कैपिटल वी की वैल्यू कितनी ली थी यहाँ पे, गिवन क्या था, 70 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो बस यहाँ पे रख दो 70, तो वैल्यू जो आएगी वो मीटर पर सेकंड में आ जाएगी ऑटोमेटिक ही, 0.278 × 70 इज इक्वल टू 19.46 मीटर पर सेकंड होगा, ठीक है। अब इस वैल्यू को यहाँ पर रख दो, L इज इक्वल टू 3.28, वेलोसिटी की वैल्यू 19.46³/ आपका 1720/D, डी फॉर 6 डिग्री, ठीक है। अब L की वैल्यू निकाल के देखते हैं यहाँ पे, L की वैल्यू कैलकुलेट करो, 3.28 × 19.46³/71720/6, ठीक है। द वैल्यू कम्स 84.31 मीटर, ठीक है, 84.31 मीटर। अब देखो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है यहाँ पे आप चेक करते हैं, कौन सा वैल्यू मैक्सिमम आया है। पहला जो वैल्यू आया था हमारे पास 74.49 मीटर आया था, और सेकंड वैल्यू जो आया है वो कितना है आपका, 84.31 मीटर आया है। तो अपन किसको कंसिडर करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू को, तो आपका लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन कर्व, अपन नीचे आपको ये लिखना है कि हमको हमेशा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ट्रांसमिशन कर्व का लेते हैं, ठीक है। ट्रांसमिशन कर्व का अपन क्या लेते हैं, जो भी अपन लेंथ निकाल रहे हैं, लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन कर्व जितने भी फॉर्मूले हैं हमारे पास, उसमें से अपन क्या लेते हैं, मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, L इज इक्वल टू
84.31 मीटर। ठीक है, पहला तो ये हो गया आपका, ये आपका नॉर्मल आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन क्वेश्चन बना सकते हैं, डाटा जो दिया रहेगा उसके हिसाब से आप अप्रोच चुनोगे कि अपन पहला अप्रोच लगाएं या सेकंड अप्रोच लगाएं। ठीक है, तो पहला अप्रोच के लिए फॉर्मूला क्या क्या था आपके पास, आप इसको ऐसे लिख लेना, सबसे बढ़िया क्या रहेगा आपके पास समझने के लिए क्या कर सकते हैं। तो अप्रोच वन में, अप्रोच वन के आपके पास L इज इक्वल टू 7.2E, L इक्वल टू पहला फॉर्मूला ये है, दूसरा फॉर्मूला ये है, और 0.073, और यहाँ पे था D इंटू वी मैक्स। ठीक है, ये हो गया, और तीसरा फॉर्मूला था हमारे पास L इज इक्वल टू 0.073 और E इंटू वी मैक्स। ठीक है, ये पहला अप्रोच था, फिर अपन सेकेंड अप्रोच ले सकते हैं। सेकेंड अप्रोच क्या था हमारे पास, सेकेंड अप्रोच, ठीक है, सेकेंड अप्रोच था पहला L इज इक्वल टू 4.4 रूट आर। ठीक है, और सेकेंड इसमें फॉर्मूला था L इज इक्वल टू 3.28 V³/R, जहाँ पे जो V है वो मीटर पर सेकंड में है, और अगर आपके पास बड़ा V होगा मतलब किलोमीटर पर आवर में आपके पास वेलोसिटी है, तो इस छोटे V की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैसे निकालेंगे, 0.278 × V। तो आप यहाँ से क्या निकालेंगे इसकी वैल्यू, और जो ये बड़े V की वैल्यू है वो किस में रहेगी आपकी, किलोमीटर पर आवर में रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका निकाल सकते हैं सारे का आंसर। और R इक्वल टू क्या होता है, कल हमने देखा था R इक्वल टू 1720/D। ठीक है, डिग्री, ठीक है, ये मेन फॉर्मूला डिग्री का था, डिग्री का मेन फॉर्मूला होता है 1720/R होता है, तो हम लोग यहाँ से इस वैल्यू को निकाल लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, ट्रांजिशन कर्व का अगर आपको लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व पूछता है तो अपन इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर आपको हर एक इंटरवल में ट्रांजिशन कर्व की वैल्यू दे दी रहेगी और आपको कर्व का डायग्राम बनाना होगा, तो अपन कल जो क्वेश्चन किए थे उसको आप बना सकते हैं। ठीक है, तो मे भी आपको क्लियर हो गया होगा, दो अप्रोच है हमारे पास। ठीक है, ठीक है, और तो इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन तो नहीं है। ठीक है, सब ऐसे ही बनेगा आपका। ठीक है, ये अपन कितने प्रकार क्वेश्चन कर लिए, चार प्रकार क्वेश्चन कर लिए हैं, कल अपन दो किए थे, आज दो किए हैं, इन्हीं चार प्रकार के क्वेश्चन में से आपके पास क्वेश्चन आ सकता है और उससे आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओगे अगर आप ये सीख जाते हो तो। ठीक है, तो आज के लिए इतना करते हैं, मे बी आपको समझ आया होगा, नहीं आया होगा तो बिल्कुल बताइएगा, फिर से इसको अपन करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।